गाइस, आज की वीडियो का जो मोस्ट टॉपिक है वो ये है प्रेगनेंसी में बेबी बॉय होने के सिम्टम या फिर लड़का होने के लक्षण। अब गाइस, इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग या फिर आपके बेबी से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके फ़ोन पर मिल जाएगा। देखो गाइस, आज जो हम आपको सिम्टम बताएंगे उन सिम्टम के आधार पर आप थोड़ा आइडिया ले सकती हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की होने वाली है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और साइड में हमारी बच्ची शोर मचा रही है तो उसको भी आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। देखो बच्चे हैं और बच्चे तो तुम्हें पता है भाई, देखो शोर तो मचाते ही मचाते हैं। और बच्चे के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। अभी आप ही लड़का है या फिर लड़की है ये जानने के लिए कितना कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो गाइस, लास्ट ऑप्शन यही आया है, बच्चे जब ज़्यादा शोर मचाने लग जाए ना तो उसको हमें गोदी लेना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखो आप तो प्रेग्नेंट है, आपको अब चाहे सेकेंड मंथ चल रहा हो या फिर 8 मंथ या 9 मंथ चल रहा हो, अब आप चेकअप कर रही हैं भाई लड़का है लड़की है, तो आप खुश नसीब हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका अभी डिलीवरी होने वाली है। लेकिन न जाने कितनी ऐसी महिलाओं के हमारे पास मैसेज आते हैं जो ये कहती हैं कि भैया हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, तो उनके लिए एक छोटी सी देखो दे देते हैं कुछ थोड़ा सा, किसी का अगर भला हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, हमारे पास में दादी माँ रहती हैं जो कि देसी जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करती हैं और 30 दिन की दवाई देती हैं, 30 दिन में प्रेगनेंसी रुक जाती है। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। व्हाट्सएप की कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज लगेगा, नॉर्मल कॉल बिल्कुल भी ना लगें। ओके, तो अब बात करते हैं सिम्टम की, लड़का होने के लक्षण क्या होते हैं। पहला सिम्टम यह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको उल्टी वगैरह आ रही है, तो ये पहला लक्षण है, पहला साइन है कि आपके पेट में जो पल रहा है, आपके गर्भ में जो पल रहा है वो एक लड़का होने वाला है। नंबर दो, मौसम चाहे कोई भी हो, अगर आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं तो इसका मतलब भी आप समझ जाना कि आपके पेट में जो पल रहा है वो लड़का है। ओके, नंबर तीन है गाइस, अगर आपके पेशाब का कलर वाइट से येलो टाइप में हो रहा है तो भी ये एक सिम्टम है कि आपके घर में जो पलने वाला बच्चा है वो एक लड़का है। नंबर चार एक और है कि देखो, अल्ट्रासाउंड तो सभी करवाते हैं और अगर आपकी प्रेगनेंसी को 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं तो भी आपके पास अल्ट्रासाउंड है, और 3 मंथ से अगर कम टाइम हुआ है तो हो सकता है डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया होगा कि आपको अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चे की हार्ट बीट या बच्चे की धड़कन 160 से कम आती है तो भी आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपके पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो एक लड़का है। अगर इसका उल्टा सब कुछ आपके साथ चल रहा है तो आइडिया ले लेना कि आपके पेट में होने वाली चीज़ें लड़की हैं। तो देखो जो सिम्टम बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, इनमें किसी में भी 100% ये श्योरिटी नहीं है कि आपके पेट में सही चीज़ें हैं। जो भी हमने आपको बताई हैं उसका मतलब सही ही होगा। ये एक थोड़ा मोड़ा एक आइडिया होता है, छोटा मोटा आइडिया होता है, तो ये उनका आइडिया है जो कि जिनको लड़का होते हैं या फिर जिनको लड़की होती है जिनके लक्षण ये दिखते हैं। तो आप बिल्कुल श्योरिटी पे या 100% में बिल्कुल भी इन चीज़ों का ना लें कि आपको जो हमने चीज़ें बताई हैं उसमें आपको लड़का ही होगा। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो भगवान के ऊपर है, जो और कुछ टाइम बाद आपको पता भी चल जाएंगे, कुछ टाइम बाद आपके हाथ में भी वो चीज़ें आ जाएंगी। और बच्चे हमें कर रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा परेशान। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।